Assalamu alaikum everyone. Uh, I hope everyone can hear me clearly. Uh, so, my, my name is Dr. Temur Zahid, and I'm a part of this uh, brilliant uh, study group that prepares uh, uh, people for FCPS Part 1 examination. And uh, our team is made up of these people, uh, with our chief mentor being uh, Dr. Emma Hassan. and uh, i'm going to be responsible for teaching you the dental subjects which includes uh, dental materials, oral biology, oral pathology, and you know help you with uh, uh, the mcqs. jojo books recommended and we're going to be providing you with the past papers. and we're going to be providing you with their correct erratas and everything. so let's uh, begin. ओके सो दिस कोर्स ऑफ और आवर्स इज थ्री मंथस ठीक है जिसमें आपको uh, सारे uh, जो हैं चीज़ें फीचर्स आपको अवेलेबल होंगी ठीक है इस बी, uh, इस उन, uh, February, February. और इसमें डिस्कशन आपकी होगी बेसिक टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लाइव सेशन जस्ट लाइक दिस इस तरह के कुछ कंडक्ट किए जाएंगे अप रिक्वेस्ट एज वेल एंड गोल्डन फाइल्स आपके जो इम्पोर्टेंट एम्सक्यूज हैं जो कि काफ़ी उनकी रिपीटेशन होती है और uh, जो कि मोस्टली आप लोग पढ़ते हुए गो थ्रू करते हुए मिस कर देते हैं उन चीज़ों को हम हाई करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द दर्स बी अ मॉक एग्जाम जिसमें दर्गनबी फ्यू एम्स्यूज़ जो कि uh, जिनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है जिसमें इराटा कुछ कहता है जिसमें आपका जो है सीपीएसपी uh, पी की कुछ और कहती है आपकी लॉजिक कुछ और कहती है इन सो मेनी सच मैनी सो इस कोर्स की ड्यूरेशन थ्री मंथ्स है एंड यू रिक्वायर योर कंप्लीट डेडिकेशन टू दिस प्रोग्राम इफ़ यू वांट टू सक्सीड सो फॉर जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोग्राम में उसमें आपको जो है uh, जो लोग क्लिनिक कर रहे हैं स्पेशली तो आपको अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी बहुत शिफ्ट करनी पड़ेंगी बिकॉज uh, ये थ्री मंथ्स का जो कोर्सेज में आपके जो लेक्चर अवेलेबल होंगे अवेलेबल फॉर अटन पीरियड ऑनलाइन ठीक है और वो डेट्स पे चेंज नहीं होती एंड इट्स लाइक दिस बिकॉज क्योंकि लोग जो है, uh, से हैं प्रॉपर डेडिकेशन स्लैक ठीक है सो लेट्स बी गन विद टॉपिकोडे इट्स मेटल्स एंड एलोय सो आपकी जो बिगिन विद इज क्रिस्टलाइजेशन ठीक है जब कोई भी मेटल होता है उसको आप बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उस मोल्टन फॉर्म को जब आप कूल cool करते हो तो इट अंडर गोज अ प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है क्या क्या होता क्या है ठीक है इसमें आपके जो एटॉमिक अरेंजमेंट होती है वो उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है ठीक है सच एज इक्स टू फाइबर्स डिस्कस व डिफरेंस बिटवीन दूस टू लेटर सो हम बेसिकली सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन किस तरह इनिश होती है और उसके क्या कंपोनेट्स हैं और उनके क्या सिग्निफिकेंस हैं ठीक है सो वट इज़ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज अ पॉइंट विच क्रिस्टलाइजेशन इज इनिशियड ठीक है इट इज फॉर्म फ्रॉम इम्प्योरिटीज अब आपका जो ग्रेन होता है ठीक है अब न्यूक्लियस की एग्जाम्पल ले लें यह आपका न्यूक्लियस है ठीक है दिस इज योर न्यूक्लियस अब जब क्रिस्टलाइजेशन यानी आपका हाई मोल्टन स्टेट से जब आप कूल cool कर रहे हो तो क्या होगा कि आपकी क्रिस्टल की ग्रोथ होगी ये आप एरो देख रहे हैं हर डायरेक्शन में क्रिस्टल की ग्रोथ होगी और जो आपको एंड में एक स्ट्रक्चर ऑप्टेन होगा विच इज गोइंग टू बी आपका ग्रेन है ये दूसरा ग्रेन है ये आप डायग्राम दे सकते हैं जो कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर ली गई है दिस ग्रे स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ग्रेन एज जो इसकी सराउंड ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है these are called grain boundaries. सो वॉट इज अ ग्रेन इट आर क्रिस्टल्स डेट एमिनेट फ्राम द न्यूक्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेरइट्स और डेंड्राइट्स इज कॉल्ड अ ग्रेन ठीक है ये आपका एम सी क्यू आसिमेंट सॉरी विजय प्रताप में, श... uh, प्रता में uh, यह दिया गया था उसमें uh, पूछी थी ग्रेन की uh, ग्रोथ किस तरह होती है इन द फॉर्म ऑफ तो आंसर वॉज आई थिंक स्टेरुलाइट्स और डेंड्राइड्स इनमें से दोनों ऑप्शन दी गई थी तो उसमें से uh, बेस्टो नाम चूज करनी थी सो ग्रेन बाउंड्री का भी आपको बता दिया ग्रेन का भी बता दिया अब ग्रेन जो है उसकी आ, उसको जब हम यूज़ करेंगे इन डेंटिस्ट्री स्पेशली ठीक है तो इसकी क्वालिटी जो होती है इट शुड बी वेरी फाइन ठीक है सो so यानी ग्रेन स्ट्रक्चर जो आप क्रिस्टलाइजेशन से ऑबटेन करेंगे इट शुड बी वेरी फाइन अब फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर से क्या मुराद है इसका मतलब है कि जो जितना फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा वो हार्ड होगा हार्डनेस से मुराद स्क्रैच रेजिस्टेंस और उसकी उतनी ही हाई वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस होगी Yield stress क्या होता है? है है? होती ठीक तो जित, और लेकिन मेटल होती है उसमें stress एक ऐसा स्ट्रेस होता है जिससे बियॉन्ड आपकी डिसलोकेशन होती है ठीक है डिसलोकेशन बेसिकली क्या है इट इज अ डिफेक्ट व्हिच अकर्स द प्लेन कॉल्ड स्लिप प्लेन इट अ ग्रेन बाउंड्री एंड स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट इज कॉल्ड डायग्रामेटिकली अगर आप देखें ये आपके एटॉमिक अरेंजमेंट है ठीक है ये दो प्लेन में एटम की रोल मौजूद है नाउ इफ यू अप्लाई स्ट्रेस फ्रॉम दिस डायरेक्शन ये जो जो एरो लगा हुआ है है ठीक यू सी के अपर कॉलम या रो ऑफ एटम्स है इट हैज स्लिप पास अगेंस्ट द लोअर वन ठीक है अब जिस प्लेन में ये पूरी डिसोकेशन होनी है जो ये लाइन मार्क हुई है दिस लाइन दिस इज कॉल्ड अ स्लिप प्लेन तो बेसिकली डिसोकेशन जो होती है यील्ड स्ट्रेस

अब क्वेंचिंग का क्या फायदा होता है आपके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और आपका जो ग्रेन साइज है वो स्मॉल हो जाता है ठीक है ना जितने ज्यादा आपके जो आपका ग्रेन साइज होता है ना उसकी इन्वर्स रिलेशन होता है टू दी ग्रेन बाउंड्री यानी जितने ज्यादा आपके न्यूक्लिया होंगे उतनी सॉरी जितने ज्यादा आपका ग्रेन साइज होगा उतनी कम ग्रेन बाउंड्रीज होंगी तो यानी जितना ज्यादा आपका फाइन स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा ज्यादा ग्रेन साइज स्मॉल होगा उतनी बाउंड्रीज भी होंगी विच इज डिजायरेबल आप ग्रेन साइज भी स्मॉल चाह रहे हो और आप ग्रेन बाउंड्री भी ज्यादा चाह रहे हो ठीक है जो कि दोनों एडेड इफेक्ट उनका होगा डिस्फोकेशन प्रिवेंट करेगा <coughs> तो ये आपकी क्वेंचिंग होगी क्वेंचिंग रैपिड कूलिंग होती है ठीक है तो अगर आप स्लो कूलिंग करोगे ना उसका ऑपोजिट इफेक्ट इफेक्ट होगा ठीक है वो क्या होगा कि आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाज होंगे डिक्रीज हो जाएंगे और आपका ग्रेन साइज लार्ज हो जाएगा तो लार्ज ग्रेन साइज होगा यानी आपकी ग्रेन बाउंड्रीज भी कम होगी डिस्केशन भी ज्यादा होगी ना क्वेंचिंग हो गया आपका ठीक है अब दूसरा मेथड जो है इट्स कॉल्ड सीडिंग सीडिंग सिंपल है कि आप एडिटिव मेटल सिंपल आप uh, एक मोल्टन मेटल में डाल देते हो जो कि विच एड्स मोर न्यूक्लिया है तो न्यूक्लिया ज्यादा होंगे तो ग्रेन आपका साइज uh, कम होगा आपके ग्रेन नंबर इंक्रीज होगा और ग्रेन बाउंड्रीज आपकी वो भी इंक्रीज होंगी <coughs> अच्छा ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं उधर इम्प्योरिटीज ज्यादा प्रेजेंट होती हैं ठीक है हमने कहा था ना कि न्यूक्लिया जो होते हैं वो भी इम्प्योरिटी बनते हैं जो ग्रेन बाउंड्री होती हैं उधर ज्यादा इंप्योरिटीज होती हैं और उसकी सिग्निफिकेंस भी आपको ग्रीन बाउंड्री की मैं बता चुका हूँ अगला पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रेन साइज जितना ज्यादा होगा उतनी कम ग्रेन बाउंड्रीज uh, होंगी ठीक है

बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन हो रही है ठीक है उसमें अब क्या चेंजेस आ रही हैं इक्वीएक्स और ठीक है इक्वीएक्स क्या स्ट्रक्चर होता है लेट्स सी यहाँ एक डायग्राम थी यस दिस इज दिस इज इक्वीएक्स स्ट्रक्चर ठीक है तो इक्वीएक्स स्ट्रक्चर ये है ये आपकी फाइबर स्ट्रक्चर है और ये आपका दोबारा इक्वीएक्स स्ट्रक्चर है तो इसमें मैकेनिकल वर्क कैरिड आउट ऑन सिंपल मेटल और एलॉय

कि आपके पास दो मेटल में प्रॉपर्टीज मौजूद हों नंबर वन इज डक्टिलिटी, द सेकेंड इज मेलीबिलिटी ठीक है जितना ज्यादा आपका डक्टाइल मेटल होगा डक्टिल, उसमें क्या होगा उतना ज्यादा वो उसे हम खींच के टेंसाइल स्ट्रेस लगा के उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करके उसे लॉन्गेट कर सकते हैं ठीक है सो so, और अगर जितना ज्यादा मेलिबिलिटी होगी उतनी ज्यादा मेटल को हैमर करके उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं ठीक है थीके? तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज अ मईर ऑफ डक्टिलिटी एंड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंप्रेशन इज अ मैयर ऑफ मेलियबिलिटी तो बेसिकली इसकी सिंपल एग्जांपल यही है कि uh, आप एक मेटल लेते हो ठीक है और उसको बगैर टेंपरेचर उसका इंक्रीज किए उस पर फोर्स लगाते हो विच इज ग्रेटर देन दील स्ट्रेस ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा वो अपनी शेप uh, चेंज करेगा ठीक है शेप चेंज करेगा और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंप्रूव होंगी आपने कोल्ड वर्किंग जो है आप जो फॉर एग्जाम्पल है वो आपने रिकलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पर रखना है अब इसका कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे माइक्रोस्ट्रक्चर uh, आपका चेंज होगा ठीक है इक्व एक्स टू फाइबर्स ठीक है कोल्ड वर्किंग के दौरान आपका जो स्ट्रक्चर uh, आगे देखी है यानी आपका ग्रेन की शेप चेंज हो रही है हमने क्या पढ़ा था कि इक्व जो था उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती ठीक है ये लिखा हुआ है और जो आपका फाइब्रस है उसमें क्रिस्टल्स होते हैं इलोंगेटेड होते हैं तो ये आपकी चेंज इन शेप आ गई फाइबर स्ट्रक्चर ऑप्टेन हो गया ठीक है उसका मकैनिकल प्रॉपर्टी uh, उस पर क्या फ़ायदा होगा हार्डर होगा यानी स्क्रैच रेजिस्टेंस स्ट्रॉगर होगा यानी स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी हाई वैल्यू ऑफ शील स्ट्रेस यानी उससे ज़्यादा स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा उस मेटल को इन ऑर्डर टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विच इज़ अ गुड प्रॉपर्टी यानी आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे तो वो एकदम से बेंड हो गया परमिटली डिफॉर्म नहीं होगा लेकिन इसका फिर ये है कि डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी वाई बिकॉज आपने कोल्ड वर्क करके ये दोनों प्रॉपर्टीज यूटिलाइज कर दी हैं अगर आप इसको रिवर्स प्रोसेस करोगे तो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएंगी और आपकी डक्टिल मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी वापस रिगेन हो जाएगी अभी आपकी बुक में जो है एग्जाम्पल कुछ दी हुई हैं तीन वायर फॉर्मेशन थ्रू डाइज बेंडिंग ऑफ क्लास एंड ऑफ टेंशन ऑफरपेज सो आपको मैंने बताया कोल्ड वर्किंग क्या होता है ठीक है फाइबर स्ट्रक्चर ऑप्टेन किया है जिससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज हुई हैं अब इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो वो किस तरह होगे क्या आप सिंपल उसी मेटल को आ, हीट कर दो टू अ दोचर अबव रिक्रिस्टलाइजेशन कोल्ड हम बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कर रहे थे ना तो आप जो है अगर उसका सॉफ्ट हीट ट्रीटमेंट कर दोगे यानी अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का लॉस हो तो जाएगा ड्यू टू ग्रेन ग्रोथ एंड साइज बाई डिफ्यूजन ऑफ एटम्स एट हाई टेम्परेचर ठीक है ये इसका मॉलिक्यूल लेवल पे ये चेंजेस आ रही है आपका ग्रेन ग्रोथ हो रही है साइज उसका इंक्रीज़ हो रहा है जो कि वजह से वेलीबिलिटी की प्रॉपर्टी वापस आपको रीगेन हो रही है ठीक है।, है।, है ये नाउ इन मेनी एप्लीकेशन रॉट एलो हाउ एवर इट इज समथिंग विच मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दर्स नाउ जब आप कोल्ड वर्किंग करते हो आपको फाइबर स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गया ठीक है यानी आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो गई हैं अब उसका डाउन साइड क्या है कोल्ड वर्किंग का इट्स द इंटरनल स्ट्रेसेस दैट गेट्स बिल्ड अप व्हेन यू कोल्ड वर्क ठीक है जब वो इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीव होंगे तो क्या होगा कि आपकी जो अप्लायंस है वो डिस्ट्रॉट हो जाएगी ड्यू टू डायमेंशनल चेंजेस क्योंकि जाहिर बात है जो स्ट्रेस अंदर हमने हैमर करके उसमें अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं वो जब रिलीज होंगे तो डिफॉर्मेशन तो डेफिनेटली होनी है कहीं ना कहीं से तो उसमें रिलीज होना है तो उसको इसकी प्रिवेंशन के लिए आप क्या करोगे कि एक प्रोसेस करते हो जिसे कहते हैं स्ट्रेस रिलीफ एंड ठीक है stress, relief, इसमें क्या करते हो आप रिकाइन टेम्परेचर से नीचे ही बिलो द टेम्परेचर लो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट करोगे ठीक है उससे क्या होगा आपका फाइबर स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहेगा यानी आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर इंटैक्ट ठीक है और आपका जो है स्ट्रेसेस है वो भी रिलीव हो जाएंगे और आपकी यानी डायमेंशनल चेंजेस नहीं आएंगे सो इन कंक्लूजन द द द ग्रेन साइज ऑफ ऑफ कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेट कूलिंग फ्रॉम मेल्ट यानी आप स्लो कूलिंग करो या रैपिड कूलिंग करो दोनों पीछे मैं बता चुका हूँ रैपिड कूलिंग क्वेंचिंग होती है और आपकी स्लो कूलिंग होती है वो उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है ओके रेट ऑफ कूलिंग ये जो मैंने पीछे पॉइंट आपको बताया है इसमें रेट ऑफ कूलिंग से क्या होगा कि रैपिड कूल अगर आप करोगे तो आपके न्यूक्लिया का नंबर इंक्रीज होगा यानी आपके ग्रेन जो हैं उनका साइज इक्रीज होगा और ग्रेन का नंबर इंक्रीज होगा ठीक है और ग्रेन बाउंड्रीज भी इंक्रीज होंगी आप देख रहे हैं ना कि आपके ग्रेन भी ज्यादा हो गए हैं ग्रेन बाउंड्रीज भी आपकी ज्यादा हो गई हैं और ग्रेन के न्यूक्लिया भी ज्यादा हो गए हैं ये सारी डिजायरेबल चेंजेस हैं जो कि रैपिड कूलिंग से अचीव होती हैं और आपको स्ट्रेस एनिंग से Uh, आप सॉरी सॉरी और जो आपका स्लो कूलिंग uh, है उसमें क्या होता है कि फ्यूरिया है और आपका ग्रेन साइज भी बड़ा है आपके ग्रेन नंबर भी कम है और आपकी ग्रेन बाउंड्रीज भी कम है इसकी वजह से आप इसमें ज्यादा होने के चांसेस हैं और इसमें डेफिनेटली डिस्टोकेशन कम होगी बिकॉज दीज ग्रेन बाउंड्रीज विल एक्ट एज अचुरल बैरियर नाउ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलोय ठीक है दिस टॉपिक इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट कॉन्सेपचुअली थोड़ा सा अगर आप उसे ध्यान देते हैं तो इट वुड बी बेटर बिकॉज मेरी तो फिलोसफी यही है कि कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए जस्ट इनकेस के आपको कोई एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड कोई क्वेश्चन पूछ लें तो आप टोटल रेटाफिकेशन पर ना कर रहे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और आपको उससे एटलीस्ट एक एजुकेटेड गेस्ट लगा सकें ठीक है सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलोय अब जब एलोय होता है उसकी फोर स्टेट्स में अवेलेबल होता है या तो वो सॉलिड uh, सॉल्यूशन होता है ठीक है और या तो कंप्लीटली इन होते हैं जो बाइनरी एलॉयज की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है या वो पार्शली सोलबल होते हैं या एफिनिटी उनमें होती है सो so, सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन इसमें क्या होता है कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कंप्लीटली सॉल्यूबल होता है इसकी एग्जाम्पल है गोल्ड सिल्वर सिस्टम ठीक है सॉलिड सॉल्यूशन जो होते हैं सबसे आइडियल होता है उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ज्यादा अच्छी होती हैं ठीक है थीके? और जिसमें हार्ड होता है स्ट्रोंग होता है हाई इलास्टिक लिमिट होती है इसलिए प्योर मेटल्स कभी भी हम uh, जो है इस्तेमाल नहीं करते इन डेंटिस्ट्री बिकॉज उनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं अचीव हो सकती ठीक है अब ये बेसिकली कैसे अचीव होती हैं ठीक है उसका ये है कि हार्डनिंग इफेक्ट नोन एज द सोल्यूशन थॉट टू बी ड्यू टू द फैक्ट दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एटोमिक रेडिया विद इन द सेम फॉर्म अ मैकेनिकल रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ डिसकेशन

अब रैंडम क्या होता है रैंडम में आपके जो मेटल ए मेटल बी ठीक है ये रैंडमली प्राइमरी uh, जो आपकी साइट्स हैं क्रिस्टल साइट्स लेटेस्ट साइट्स हैं उनको ऑक्यूपाई कर रहा होता है ऑर्डर में एक बहुत ऑर्डरली फैशन में आपको देख रहा है और जो इंटर होता है इसमें क्या होता है कि इट डजेंट ऑक्यूपाई साइट्स बट इट ऑक्यूपाइज सेकेंडरी ठीक है आपका एक मेटल जो होगा प्राइमरी को ऑक्यूपाई करेगा सेकेंड मेटल जो होगा वो आपका आ, जो है यानी या आपकी जो एटम्स हैं इनके बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं उनको ऑक्यूपाई करेगा दूसरा मेटल ठीक है और ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होता है जब आपके मेटल्स जो हैं उनके डिफरेंट एटॉमिक साइज हो यानी अगर एक का बहुत ज्यादा बड़ा साइज है और एक छोटा साइज है छोटे वाला साइज वाला जो है वो इंटरस्पेशल स्पेस में जाके लॉन्ज uh, हो जाएगा <coughs> तो आपका एक सॉलिड सॉल्यूशन हो गया ठीक है और ये हमने बताया कि ये अच्छा है बिकॉज इसमें आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी मिल रही हैं नाउ दूसरा इज कम्प्लीटली इन ठीक है इसमें क्या होता है प्योर मेटल ए और दूसरा मेटल बी जो होते हैं इनकम्प्लीटली इनसोलबल होते हैं ठीक है थीके? और इसमें क्या होता है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक क्रोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं ये आप रेयरली एनकाउंटर करते हो ठीक है ड्यूरिंग एलोइज की फॉर्मेशन है तो इट्स नॉट ऑफ़ दैट मॉज सिग्नीफिकेंस पार्सली सोल्यूबल ऑन दी अदर हैंड ये सबसे ज्यादा आप इनकाउंटर करते हो इसमें आपकी क्या होता है कि प्योर मेटल एक आपने ए लिया है और एक प्योर मेटल बी लिया है उन दोनों को मिक्स किया है तो उससे आपका क्या होगा दो फेजेज मिलेंगी एक ए बी में होगा और बी ए में होगा ठीक है वो पार्सली सोल्यूबल होंगे और ये जो सारी सोलिबलिटी होगी इट वुड बी एंटायरली टेम्परेचर डिपेंडेंट यानि जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा ए बी में और बी ए में सोल्यूबल uh, होगा जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर टेम्परेचर आपका कम होगा तो उसमें uh, नहीं होगी सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा लास्टली अफिनिटी कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी अफिनिटी uh, ज्यादा होती है ठीक है टुवर्ड्स ईच अदर जिसकी वजह से वो एक इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग उनमें जनरेट होती है इंटरमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म होता है ठीक है अब इस सिल्वर मर्करी की uh, आपकी uh, सॉरी uh, टेन सिल्वर टेन की बात हो रही है uh, मर्करी इनकी ए जी एस एन ठीक है तो ये जो है इनमें इंटरमेटेलिक कंपाउंड ये है और इसमें इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग होती है इसका अब क्या होता है कि इसमें क्रिस्टल इम्परफेक्शन कम होती हैं ठीक है क्योंकि एक आ, इनकी स्पेसिफिक जो इंटरमेटेलिक बॉन्ड है उसकी बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके वैलेंसीज एक स्पेसिफिक होनी चाहिए और वो स्पेस को जब ऑक्यूपाई कर लेता है फिर तो वहां से नहीं हिलता तो उसमें इम्परफेक्शन इस लैटिस में बहुत कम होती हैं ठीक है थीके? जिसकी वजह से आपकी स्लिप जो है जहां भी इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग bond, uh, होगी वहां आपका ब्रिटल मटीरियल होगा नाउ मूविंग ऑन टू कूलिंग है ये देखने में बड़े मुश्किल लगते हैं ये दो तीन आ, चार आगे ग्राफ्स हैं जिसमें सॉलिडस का है एक एक आपका कूलिंग कर्व्स हैं फिर उसके बाद यूटेक्टिक एलॉयज का ग्राफ है तो ये आपने देख के परेशान नहीं होना इसको समझने की कोशिश करनी है दे आर वेरी सिंपल ठीक है ना कूलिंग कर्व्स जैसे सॉलिडिफिकेशन कर्व भी कहते हैं इसमें बेसिकली क्या किया, कि plot, आ, किया गया है कि टेम्परेचर और टाइम के अगेंस्ट एक प्लॉट किया गया है ग्राफ ठीक है उसमें आपका एक प्योर मेटल है और एक आपका एलॉय है ठीक है प्योर मेटल में क्या हो रहा है कि आप एक हाई टेम्परेचर पे मोल्टन स्टेट पे लेकर गए हो और उसे आप कूल cool कर रहे हो ठीक है जब कूल cool कर रहे हो और वो टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है और जब आप टेम्परेचर टी एम पे पहुंचते हो तो क्या होता है यहाँ आपकी क्रिस्टलाइजेशन होती है यानी आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है अब आप नोटिस करें ये ग्राफ जो आपको एक प्लेट्यू दे रहा है ठीक है यानी ये एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे आपकी क्रिस्टलाइजेशन हो रही है और फिर इस पॉइंट पे आके कंप्लीटली सॉलिड बन रहा है और सॉलिड इस नीचे जो है सारा सॉलिड है <coughs> तो यानी प्योर मेटल्स जो होते हैं आपके जब उन्हें आप कूलिंग करते हो उसकी तो क्या होता है इट इट्स क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है एलोय ऑन अदर हैंड उसमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नहीं होता प्लेटियो अचीव नहीं होता उसमें एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है ठीक है टी एल टू टी एस जो है दिस इज अ रेंज ऑफ टेम्परेचर जहां आपका लिक्विड स्लोली सॉलिड uh, में कन्वर्ट होता है यानी टीएल और टीएस के दरमियान आपके लिक्विड सॉलिड दोनों फेजेस मौजूद हैं लिक्विड जो है टीएल पे uh, पहला सॉलिड जो है आपका इधर बनेगा टीएल पे, और जो है आपका फाइनल uh, जो लिक्विड खत्म होगा वो टीएस पे है तो इट्स प्रीटी सिंपल नाउ मूविंग ऑन टू सॉलिड सोल्यूशन फेज डायग्राम अब इसकी एक प्री रिक्विज है, क्या है? कि आपका system, और सीरीज ऑफ यानी सिंगल एलोड्रीट मिसाल के तौर पर ले लिया। आपका एक हो गया, एक हो गया, अब उसकी दूसरी रिक्वेजिट है कि सीरीज ऑफ कूलिंग अवेलेबल हो फॉर एलोयज ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ठीक है तो आपको ये वाला ग्राफ ऑप्टेन होगा इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली लाइन है दिस इज लाइन

एलोय कंपोजिशन बाई कंट्रोलिंग द टेम्परेचर यानी अगर आपको टेम्परेचर अगर आपको इस प्लॉट करो इस ग्राफ को ठीक है तो आप क्या करोगे सिंपली एक टेम्परेचर को कंट्रोल करना है और आप जो कंपोजिशन चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो कि आपका एक एलोअ हो जिसमें मेटल ए ज्यादा हो मेटल बी ज्यादा हो तो आप उस टेम्परेचर पर रखोगे वो आपको कंपोजिशन ईजीली मिल जाएगी ठीक है तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है ना हम एग्जाम्पल लेंगे ये एक प्लॉट uh, किया गया है अगेन एक ग्राफ है फेजाइग्राम uh, की जिसमें टेम्परेचर कंपोजिशन इन दोनों के अगेंस्ट किया गया है और आपको वही सॉलिडस और लिक्विडस लाइंस नजर आ रही हैं ठीक है थीके? जिस तरह ऊपर की है यानी ऊपर जो है यहाँ लिक्विड है यहाँ सॉलिड लिक्विड दोनों है और नीचे जो है सिर्फ सॉलिड है अब आपकी एग्जांपल आप लो फॉर एग्जांपल एक्स की एक्स <coughs> कंपोजिशन जो है आपकी एलोय uh, की ठीक है इसमें क्या होगा कि आपका जो टी है ठीक है आप देखें ये लिक्विडस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है ठीक है तो आपका टी जो टीएल्परेचर है यहाँ आपका फर्स्ट सॉलिड फॉर्म हो रहा है ठीक है टीएल से अबरेचर जो है इधर होगा सारा लिक्विड होगा ठीक है लेकिन जब आप टीएल टेम्परेचर पे पहुंचोगे तो आपका पहला सॉलिड बन जाएगा ठीक है और आपके जो लास्ट लिक्विड होगा इट वुड हैव अ कॉम्पोजिशन ऑफ वी ठीक है दिस इज द वी बिकॉज यहाँ आपका लास्ट लिक्विड जो है मौजूद है इसके बाद जो है आपका पूरा सॉलिड होगा नाउ इसमें आप आ, अगर देखें कॉन्सेप्चुअली फॉर एग्जांपल आप टी टी एल है टी एस है ठीक है ये आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर है अब इसमें आपने एक टेम्परेचर ले लो टी एस एच टी एस एच पे आप फाइंड करना चाह रहे हो क्या कंपोजिशन है तो सिंपली आप ये जो डॉटेड लाइन है एक आप ड्राफ्ट करेंगे और इसे इंटरसेक्ट कराएंगे ऑन दॉलिडस एंड द लिक्विडस लाइन ठीक है तो लाइन uh, से जो इंटरसेक्ट इंटरसेट है ना उसको अगर आप नीचे देखें तो यानी टी एस एच पे आपकी जो सॉलिड की कंपोजिशन होगी इट वुड बी वाई और लिक्विडस की जो वुजिशन होगी इट वुड बी डब्ल्यू ठीक है तो इस तरह आप बेसिकली कंपोजिशन का अंदाजा लगा सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर ठीक है और ये आपको किसने अचीव होता है यूजिंग अ फेज डायग्राम नाउ एक एम सी क्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा भी गया है कि द फर्स्ट मेटल टू क्रिस्टलाइज इज द वन विद द हायर मेल्टिंग पॉइंट ठीक है यही बात है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ठीक है वो जिससे आप कूल cool करोगे उससे पहले वो टेम्परेचर अचीव होगा और इसलिए वो सबसे पहले क्रिस्टलाइज होगा यानी सोल्ट स्टार्ट होगी ठीक है और लास्ट टू सोल्टीफाई होगा इस वुड भी दन विद द लोअर मेल्टिंग ठीक है अब एक बुक में जो दी हुई है गोल्ड सिल्वर सिस्टम है ठीक है ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सो uh, सोफार so अभी जो हमने कर लिया है ओके नाव पर गाना विद वट इज़ कोरिंग ठीक है ओके सो हमने पीछे पढ़ा है सोल्टज लिक्विड लिक्विड सेपरेशन ठीक है जितना ज़्यादा ये आप देख रहे हैं कि सोलडस लिक्विड सेपरेशन जो है जितना इसकी ज्यादा ये होगी सेपरेशन ठीक है उतना ज्यादा आपका कोड स्ट्रक्चर ओपटेन होगा ठीक है अभी मैं बताऊंगा कोड स्ट्रक्चर क्या है लेकिन बस ये या आप याद करें कि सोल्डस्ट लिक्विड की सेपरेशन जितनी ज्यादा ग्राफ में ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका कोड स्ट्रक्चर होगा ठीक है और जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा कोड कम होगा स्ट्रक्चर कोड स्ट्रक्चर अनडिजायरेबल है ठीक है ये आपने बात याद रखनी है तो आप अगर तो ज्यादा सेपरेशन होगी तो वो आप स्लो कूलिंग से अचीव करते हो रैपिड कूलिंग करोगे तो आपकी इस ज्यादा सेपरेशन नहीं होगी आपका कोर्ड स्ट्रक्चर नहीं ऑप्टेन होगा इसलिए रैपिड कूलिंग इज प्रेफरेबल ठीक है बिकॉज उसमें कोर्ड स्ट्रक्चर ऑप्टेन नहीं होता और सोलडिस लिक्विडस का जो डिस्टेंस है वो कम होता है अब आपने किस तरह इन्विजन करना है कि कोर्ट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है इसमें क्या होता है कि आप एलोय जो होता है फॉर एग्जांपल ए और बी है ठीक है करो एज हैविंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मेटल्स हायर मेल्टिंग मेटल जो होता है ना वो कंसेंट्रेट होता है न्यूक्लियस के अराउंड ठीक है और जो लो मेल्टिंग जिसका होता है ना मेटल का वो होता तो है क्लोज टू द ग्रेन बाउंड्री ठीक है इस स्ट्रक्चर को कोड स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है यानी आपके आपके एक मेल्टिंग पॉइंट ग्रेडियंट के हिसाब से आपके जो है मेटल्स uh, की अलॉय uh, की Arrangement orientation होती है, है, ठीक क्यों? क्योंकि इसकी जो एक प्रॉपर्टी है कहते हैं उसको यानी है, ज्यादा करेगा जिसमें ज्यादा कोरिंग होगी उसको हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे रैपिड कूलिंग करेंगे ठीक है नाउ अगर हम स्लो कूलिंग करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा जिसमें डिफ्यूजन ऑफ एटम्स होगी ठीक है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ठीक है उसमें कोरिंग नहीं होगी स्लो कूलिंग हाउ एवर प्रोड्यूस एन एलॉय हैविंग लार्जर ग्रेन साइज विच हैव इन्फीरियर मैकेनिक प्रॉपर्टीज यानी स्लो कूल करोगे आइटम जो है आपका आराम आराम से होमोजेनसली एक डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिसकी वजह से यानी एटम्स ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो यानी आपका जितनी ज्यादा सेपरेशन होती जाएगी उतना ज्यादा आपका ग्रेन साइज हुआ इंक्रीज होगा हमें पीछे पड़ा है कि हमें स्मॉलर ग्रेन साइज चाहिए ताकि हमें ग्रेन बाउंड्रीज ज़्यादा मिले

एंड द कोड स्ट्रक्चर इज लॉक्ड इन एट अ लो टेम्परेचर इसमें क्या होता है कि आपकी एनर्जी uh, डिनाई हो जाती है आइटम्स को ठीक है और आपका कोड स्ट्रक्चर ऑप्टेन होता है लेकिन इसकी जो है न, होती है ना मकैनिकल प्रॉपर्टीज बेटर होती हैं, वाई बिकॉज आपका ग्रेन साइज हुआ है वो स्मॉल है ठीक है रैपिड कूलिंग में हमेशा याद रखें न्यूक्लिया नंबर भी इंक्रीज होते हैं ग्रेन साइज भी स्मॉल होता है ग्रेन बाउंड्रीज भी ज्यादा होती है लेकिन आपका नुकसान हुआ रैपिड कूलिंग आपका स्ट्रक्चर ऑप्टेन हो गया ठीक है यानी अगर इसकी डायग्राम बनाएं उसमें उनकी सेपरेशन ज्यादा होगी ठीक है थीके? अब आप इसको किस तरह काउंटर करोगे ठीक है कोरिंग तो आपकी क्रोजन रेजिस्टेंस है उसे रिड्यूस कर देती है तो आप इसको काउंटर करोगे एन, एन अनदर मेथड विच इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट ठीक है अब होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट में क्या करोगे कि आप कोल्ड स्ट्रक्चर को रिमूव करोगे किस तरह ठीक है इट इन्वॉल्व हीटिंग एलोय टू अ टेम्परेचर जस्ट बिलो सॉलिडस टेम्परेचर ठीक है तो सोलिडेस्ट टेम्परेचर से आप बस लो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट करते हो तो, कुछ मिनट्स के लिए जिसमें क्या होता है कि आपके जो एटम्स होते हैं ना जो के लॉक हुए हुए थे एनर्जी डिनाई हुई थी मोबिलिटी डिनाई हुई हुई थी उनकी थोड़ी सी मोबिलिटी इंक्रीज होती है और वो स्लाइटली उनकी डिफ्यूजन हो जाती है ठीक है और एक होमोजेनस वे में वो आइटम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इसका आपको क्या फायदा हुआ कि आपका कोड स्ट्रक्चर भी रिमूव हो गया और आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी अचीव कर ली ठीक है यानी आपने स्लो जब आ, आ, कूलिंग की है ठीक है होमोजनाइजेशन ट्रीटमेंट किया तो आपको एक आइडियल एलोय ऑप्टेन हो गया है ठीक है अब ये जो आपने हीट ट्रीटमेंट किया इसके बाद सिंपली आप क्वेंच करोगे ताकि ग्रेन ग्रोथ ना हो क्वेंच करने से ग्रेन ग्रोथ जो होती है वो डिक्रीज होती है सो दिस इज़ इट यू ट्राम वगैरह जो है ठीक uh, uh, है आपको क्योंकि वो टॉपिक मैंने अभी इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज उसके साथ uh, दो तीन और टॉपिक्स हैं गोल्ड एलोइज बेस मेटल एलोइज उन चैप्टर से एसोसिएशन uh, करनी ज़रूरी है ठीक है तो वो इसलिए हम जो है अभी मैं आपको लाइव सेशन में नहीं कर सकता लेकिन इफ़ यू सब्सक्राइब टू अर कोर्स इनशाला वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह ही समझ में आएगा होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो ठीक है एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैम और नाउ ऑन हाउ टू रजिस्टर आपने ये लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि हमारे फेसबुक वेबसाइट पे, पे भी अवेलेबल है और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है तो उन जगह आप जाके uh, उनको कर सकते हैं और सिम्पली uh, आपने uh, जो है रजिस्टर uh, कराएं आज ही और इन जो है आप लोगों के साथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा तो थैंक सो अल्लाह हाफ